तीन प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर होते हैं। पहली श्रेणी के लोग वे हैं जिसमें कार्य करने वाला कृत्य तो करता है, क्रिया करता है, लेकिन वह अलग बना रहता है, कृत्य अलग बना रहता है, करने वाला अलग बना रहता है, कृत्य अलग बना रहता है, काम तो करता है लेकिन काम पर ध्यान नहीं देता है। काम सब लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता, लेकिन पहली श्रेणी के लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन काम पर ध्यान नहीं रहता है, उनका ध्यान अन्य चीज़ों पर लगा रहता है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। काम बहुत करते हैं, चलते बहुत हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं, पहली श्रेणी के लोग। दूसरी श्रेणी के लोग जो जानते हैं कि मैं काम का करने वाला हूं, कृत्य कर रहा हूं, दोनों को अलग अलग जानते हैं लेकिन कभी काम पर ध्यान देते हैं, कभी काम पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी थोड़ा ध्यान काम पर चला जाता है, कभी ध्यान काम पर नहीं जाता है, आधा अधूरा ध्यान काम पर होता है। ऐसे लोग हजारों में एक आध लोग ऐसे हैं जो साधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के लोग जिंदगी में साधारण सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर लेते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं, लाखों में एक आध होते हैं, जो कृत्य को करने में पूरी तरह डूब जाते हैं, कृत्य को करने में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, कृत्य को करने में अपनी सारी ऊर्जा सारी ताकत लगा देते हैं, सारा ध्यान कृत्य पर केंद्रित कर देते हैं। उस फकीर जैसे लोग लाखों में एक आध होते हैं जो जिंदगी में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हैं, असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, जो अपनी सफलता के लिए सारे देश में सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसी सफलता तुम्हें मिले इसके लिए पहला संदेश है, अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा दो। जब आप अपनी पूरी ताकत काम में लगा देते हैं, अपने कृत्य के साथ एक हो जाते हैं, कृत्य में डूब जाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक जगत का बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ। इस अस्तित्व की असाधारण शक्ति, उससे आपका तार जुड़ जाता है और आपको असाधारण शक्ति उपलब्ध हो जाती है जिंदगी के बड़े बड़े कामों को, असाधारण कामों को, अकल्पनीय कामों को करने के लिए। अस्तित्व से बहुत बड़ी शक्ति भी आपको मिल जाती है। वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, आपके भीतर ही कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में छिपी हुई है, और वो कुंडलिनी ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब आप अपनी सामान्य ताकत पूरी की पूरी लगा देते हैं। तब तक नहीं उपलब्ध होती आपको जब तक आप सामान्य ताकत जो आपके पास है वो पूरी पूरी नहीं लगा देते। अब आप सोचेंगे, मैं अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा पाता हूँ काम में? उसका दूसरा राज है, आप अपनी पूरी ताकत काम में इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि आपका ध्यान आपके कृत्य पर, आपके जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं पर केंद्रित नहीं होता पूरी तरह। ये आपका चित्त, आपका मन इतना चालबाज है कि आपको उलझा देता है इधर उधर, और जिस कृत्य से आपको जिंदगी में असाधारण सफलता मिलनी है उस कृत्य में आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, आपकी चेतना केंद्रित नहीं होती, आप आधा इधर आधा उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना बंटे रहते हैं, कभी अखंड नहीं होते, खंड खंड में बंटे रहते हैं, इसलिए आपकी पूरी ताकत लग नहीं पाती। तो आप खंड खंड में बंटे न रहें और आप की पूरी ऊर्जा, आपका पूरा ध्यान उस कृत्य पर केंद्रित हो जाए जिसे आप करके असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका एक ही उपाय है जिसे मैं कहता हूँ, ध्यान, ध्यान, ध्यान। अगर ध्यान का अभ्यास आपको हो जाए तो आपके चित्त की वृत्ति कृत्य में पूरी तरह तल्लीन होने लगती है, आपकी सारी ऊर्जा उस काम में लगातार बहने लगती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भौतिक जगत में असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं
तो एक ही उपाय है, ध्यान ध्यान ध्यान।